क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा इजी होगा। हम आज के वचन में जाइए और प्रभु जो कुछ हमसे बात करेगा हम इस वचन को सुनेंगे। जनसी उत्पत्ति किताब इसकी 12वीं अध्याय और उसका पहला कलाम हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12। 12:1। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमेन। आमीन। बाइबल कहती है अगर हम इसी वचन को इब्रानी किताब इसकी 11वीं अध्याय और इसका 8वां कलाम में लिखा है। इब्रानी किताब विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी वह निकल गया। हमें आमीन। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और कहा, देख अब्राहम, तू अपने घर से अपने लोगों के बीच में से निकल कर आ और मैं जो जगह दिखाऊंगा वहां पर निकल जा। बाइबल कहती है कि उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, उसे सिर्फ प्रवास ही आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है, लेकिन जा रहा कहाँ पर है। अरे भैया पर अगर कोई एड्रेस होगा तो पता चलता है कि हमको यहाँ जाना है वहां जाना है। अगर हम जो घर में से निकलते हैं हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है या कुछ साइन नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है कहाँ जाना है क्या करना है, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अब्राहम की एक बात अगर हम देखें तो जो इब्राहिम था वो काफी विश्वास होता और काफी परमेश्वर के शब्दों को मान देने वाला था। और सबसे बार बड़ी बात है कि अब्राहम को आगे निकलने के लिए प्रभु ने कहा था। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो अब्राहम कभी भी पीछे नहीं आया, वो आगे ही निकल गया, क्योंकि प्रभु ने उसे आगे जाने के लिए कहा था कि अपने घर को अपने 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 देश को छोड़, अपनी भूमि को छोड़, अपने लोगों को छोड़ और जो मैं दिखाऊंगा वहां पर निकल जाए। उसने ये नहीं कहा कि आपके पिताजी को छोड़ो। बाइबल कहती मेरे भाई बहनों उसने सब सब छोड़ दिया और जहां जाना है वो पतन नहीं होने के बावजूद भी अब्राहम परमेश्वर की बात सुनकर आगे निकल गया। उसका आगे निकलना ही उसके लिए एक आशीष का साइन था। उसे बढ़ने का साइन था कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें कुछ कहता है कहने के लिए, जब हम बात सुनते तो हमारी आने वाले फ्यूचर के अंदर जो आशीष आएगी वो हमारे लिए साइन होता है। क्योंकि आज हर खुदा के दास को कलीसिया को लोगों को एक साइन दिया है प्रभु ने, चिन्ह दिया है आशीष का, और वो चिन्ह परमेश्वर हमेशा उन लोगों की तरफ देखता है। और जब वो साइन चिन्ह देखता है तो अपनी आशीष उनके ऊपर खोल देता है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि अब्राहम जो था वो काफी मुश्किल से गुजर गया, क्योंकि कलाम कहता है अगर जनसी 12 में अगर पढ़ोगे तो पहला उसके ऊपर जो तकलीफ आ गई उसकी बीबी को उठा के लेके गई, लिखा है यहां पर। बारहवीं अध्याय और उसका 10वां कलाम। उस देश में अकाल पड़ा
इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको भी जीती रख लेंगे। अतः ये कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। यहाँ पर देखे जाए जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया, उस जैसे वो आगे निकलने पड़ा तो पहले ही उसके ऊपर एक मुसीबत आ गई। अकाल आ गया, अकाल आने की वजह से वो मिस्र में निकल गया। मिस्र में जाने के बाद जो फारो था उसने उसकी बीवी को देखा और अब्राहम ने कहा, देख तू दिखने में काफी सुंदर है और अच्छी दिखती है, शायद तेरे वजह से उन लोग मुझे मार डालेंगे, तो मैं कहूंगा कि तू मेरी बहन है और तेरे वजह से मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे आशीष मिल जाएगा। उसने यहां पर हम देखते हैं कि फारो से उसने झूठ बात की, अपनी बीवी को बहन बना दिया। एक्चुअली उसकी बहन थी वो, क्योंकि आप जानते हो उसके बारे में, लेकिन जो सच्चाई थी वो सच्चाई बताने के लिए वो डर गया। सच्चाई ये थी कि वो उसकी बीवी थी, लेकिन कलाम कहता है उसने गलत बात की और डर गया। लेकिन मुसीबत आने के बाद भी यहां पर एक बात अगर हम देखेंगे तो अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि प्रभु तूने मुझे चुना है और तू मुझे लेके जा रहा है और मैं तेरी बात सुनकर आगे बढ़ रहा हूं, तो ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया है? जब खुदा हमको चुनता है और उसकी बात सुनकर हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का साइन होता है। मुसीबत आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, जो बंदा जो दास जी कलीसिया ऐसे तकलीफ में आगे बढ़ती रहती है, आशीष उनके पीछे आती है, उन्हें आशीष मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग आशीष मांगने के लिए प्रभु के पास है और आशीष नहीं मिली तो प्रभु के ऊपर का विश्वास कमजोर होकर पीछे निकलते। ऐसे अब्राहम ने नहीं किया, अब्राहम को पता भी नहीं था कि उसके द्वारा इसराइल बनाया जाएगा जो आज तक है और आगे भी हमेशा के लिए बना रहेगा। उसे यह पता भी नहीं था कि उसकी बीवी उम्र के 99 ईयर्स के अंदर 99 ईयर उसका उम्र होगा तब वो बच्चे को जन्म देगी, ये पता भी नहीं था उसको। उसकी उम्र 100 साल की होगी और 100 साल की उम्र के अंदर वो लड़की को अपने हक में लेगा, अब्राहम को पता भी नहीं था। उसे एक ही पता था कि जिस खुदा ने मुझे बुलाया मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे हटना नहीं है। और आगे बढ़ना अब्राहम के लिए वो साइन था। अगर आप और एक बात देखोगे, जेनेसिस किताब 22 में लिखा है, उसमें ऐसे लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने लड़का दिया, उसका नाम इसहाक था, और उस इसहाक के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, जो लड़का मैंने तुझे दिया है उसे लेकर जिस पर्वत को मैं बताऊंगा उस पर्वत पर लेकर जा और उसे मेरे लिए बलि चढ़ा दे। और तब भी पीछे नहीं आता, बाइबल कहती तब भी उसने पीछे जाने की कोशिश नहीं की। जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और उसने कहा कि जहां मैं तुझे कहूंगा वहां चला जा, वो आगे ही बढ़ता गया। उसने अपने बच्चों को लिया, अपने हाथ में लिया और सब कुछ लेकर उस पर्वत पर चला गया। वहां पर लिखा है, आपको जानते हो सब ये बातें, कि जैसे उसने उस बच्चों को उस वेदी को पर रखा और मारने लगा तो परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ा और देख लिया कि ये मेरे से बहुत प्यार करता है और वहां नाम लिखा दिया यहोवा इरे। परमेश्वर हमें प्राप्त करके देता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर हमारी हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा इरे का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत उसके स्वर्गीय राज से पूरी करता है। कि बाइबल कहती है अब्राहम ने अपने बच्चों को भी अपने लड़कों को भी परमेश्वर के लिए पीछे नहीं रखा, तो उसने उस लड़के को प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए उस पर्वत के ऊपर ले गया।
और उसे मार डालने के लिए चूरा निकालकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने इसे होने नहीं दिया। और बाइबल कहती है उसके आगे लिखा है, उसे काफी आशीष प्रभु ने दी, बहुत सारे आशीष से अब्राहम वहां पर आशीषित हुआ। अगर हम उसके अंदर का 22:14 अगर पढ़ गए तो प्लीज संगीता, जेनेसिस चैप्टर 22:14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। 15 कार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमेन। बाइबल कहती है यहाँ पर बहुत सारे आशीष किए, और हम आज इसराइल के बारे में देखते हैं कि जो अब्राहम से प्रभु ने शपथ लिए कि मैं खुद की शपथ लेकर कहता हूं कि तूने जो कुछ किया है उसके बदले में मैं तुझे आशीष दूंगा, और उसने कितनी सारी आशीष को दिए, और सबसे बड़ी बात कि तेरे 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 संतान 17 वचन मतलब इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं नीचे ही तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को नीचे ही तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान समुद्र के तीर के वालों के तिनके समान अनगिनित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। मेरे भाई बहनों, ये आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए दी कि अब्राहम के अंदर एक बात थी, एक साइन था कि जिस परमेश्वर ने उसे बुलाया है वो परमेश्वर के शब्द के द्वारा उसे आगे यानी आगे ही बढ़ना है, वो पीछे हटने वाला नहीं था। इसलिए आज इसराइल के ऊपर कितने कोई कुछ भी करे वो पीछे नहीं हटता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है उसने अब्राहम को क्या शब्द दिया है, तेरे जो वंश हो गए वो तेरे शत्रु के जो जो कुछ होगा उसके अधिकारी हो गए। इसका मतलब एक बात ध्यान में रखिए कि इसराइल किसी देश को भी हार नहीं सकता है, वो आशीष खुदा ने उसको दिए। क्यों? क्योंकि अब्राहम के पास एक साइन था कि अब्राहम कभी पीछे नहीं हटा, उसके पास एक चिन्ह था वो पीछे नहीं गया, वो फिर से कभी अपने गांव में नहीं गया, फिर से अपने लोगों के बीच में नहीं गया। आपको पता नहीं है उसके उसके लड़के के लिए जो बीबी लानी थी तब भी वो अपने बच्चों के लिए वो बहू लाने के लिए वहां पर नहीं चला गया, तो उसने उसके दास को भेजा और उस दास के द्वारा उसने अपने बेटे को उसके लिए बीबी लेके आया वहां से, लेकिन वो पीछे नहीं गया। मेरे भावन में अब्राहम की कुछ बातें आपको यहां पर बता रहा हूं कि किस तरह से वो विश्वास होता परमेश्वर के साथ, किस तरह से तकलीफ परेशानी मुसीबत आने के बाद भी उसने पीछे कदम नहीं लिए, आगे ही बढ़ते रहा। अपने बच्चों के अपने अपने बेटे की जान के ऊपर आई तब भी वो बोला नहीं कि प्रभु मुझे एक ही लड़का है और तू मुझे मांग रहा है, बस हो गया, अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं मेरे बच्चों को लेकर बीबी को लेकर मेरे घर के पास मेरे घर लोगों के बीच में निकल जाऊंगा, नहीं। मेरे बाबा ने जो साइन प्रभु हमको देता है, जो 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 चिन्ह हम हमारे ऊपर रखता है, वो चिन्ह ही हमारे लिए आशीष का कारण होता है। और अब्राहम के ऊपर जो चिन्ह था, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। इसलिए बहुत सारी मुसीबतों के अंदर से अब्राहम चला गया, लेकिन अब्राहम ने कभी भी
परमेश्वर की बात अनसुनी नहीं की और पीछे भागा नहीं। आपको प्रभु जब चुनता है तो आपके ऊपर कोई तो भी साइन रखता है, उस साइन से परमेश्वर आपको आशीषित करते रहता है और वो साइन कभी भी हमारे ऊपर से निकलना नहीं चाहिए। वही साइन है हमारे लिए, वो आशीष का कारण होता है। मैं आपको और एक खुदा के दास के बारे में बताता हूं। अगर आप निर्गमन की किताब इसकी चौथी अध्याय है, निर्गम चौथी अध्याय और उसका 17 कराम। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मेरा बाइबल कहती है यहाँ पर लिखा है मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा को जो कुछ दिया वो उसके लिए एक आशीष का साइन था, और जो उसको दिया वो एक लाठी थी जिस लाठी के द्वारा वो भेड़ बकरियों को चराता था। और खुदा ने कहा कि वो लाठी तेरे हाथ के अंदर रहे और वो तेरे लिए साइन होगा, वो तेरे लिए आशीष का कारण होगा और वो मेरे लिए एक चिन्ह होगा कि मूसा इस लाठी के द्वारा काम करेगा। मेरे भाई नाम प्रभु उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसे कुछ सी दुनिया की बड़ी ताकत की जरूरत नहीं है। आपके पास जो कुछ है वही आपके लिए साइन बनेगा और उसी के द्वारा परमेश्वर आशीष खोल देगा या बड़ा बड़ा काम करेगा। साइन करने के लिए मूसा को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बाकी चीज की जरूरत नहीं थी कि लाठी के द्वारा सब कुछ होने लगा, सिर्फ उसे बात करना था और बात करने के लिए उसको एक एक एक, एक साय भी दिया था, एक मददगार भी दिया था, उसका नाम आरोन था। तू निकल जा बोला और इस लाठी के द्वारा तू चिन्ह करेगा। यानी कि मूसा को परमेश्वर एक बात बता रहा था, जब तक तेरे हाथ में लाठी है, जब तक तू लाठी के साथ रहेगा तब तक तू मेरे सामर्थ्य को मिस्र के ऊपर खुला करता हुआ देखेगा। इसलिए आप पूरा बाइबल पढ़िए मूसा का बारे में, आप देखिए मूसा ने कभी भी उसके हाथ में से लाठी को जाने नहीं दिया, कभी भी उसने लाठी को नहीं छोड़ा। अगर आप निर्गम की तब इसी 7वीं अध्याय 15वां वचन और 20 वचन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा मूसा ने किस तरह से चिन्ह किया। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। आमीन। बाइबल कहती है उस लाठी के द्वारा वो लेके गया और लाठी को नील नदी के ऊपर मारा और बाइबल कहती है वो पानी सब खून बन गया। और आगे लिखा है अगर निगम इसकी 8वीं अध्याय 16 वचन अगर हम पढ़ेंगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, हाँ, तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, हाँ, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए। बाइबल कहती है कि मूसा ने कहा कि उस लाठी को ले और धूल के ऊपर मार, यानी कुटकिया बन जाएगी। 9वां अध्याय उसका 30वां कलाम, तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। आमेन। आमेन। उसने अपनी लाठी को ऊपर उठाया और ओले और मिस्र के ऊपर आ गए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों,
अगर हम आगे भी पढ़ेंगे, समुद्र को उसने लाठी मारी, गणना की किताब में लिखा है 20वीं अध्याय में उसने खड़क जो चट्टान थी उस चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी मारी, यानी कि उस लाठी के द्वारा मूसे ने बहुत सारे चमत्कार मिस्र देश के अंदर किए, समंदर के ऊपर किए, क्योंकि वो उसके लिए एक साइन था, चिन्ह था। और जब जब परमेश्वर उस लाठी को देखता था, उस लाठी को मूसा चला रहा है ये देखता था, तब तब परमेश्वर का सामर्थ्य उस लाठी के ऊपर आता था और उस लाठी के द्वारा चमत्कार होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए वो साइन दिया था। इसलिए मूसा ने कभी भी अपने पास से लाठी को दूर नहीं किया, वो कहां पर भी जाता था तो लाठी के साथ ही चला जाता था। पर्वत पर चढ़ना है तो लाठी के सारे वो पर्वत पर चढ़ता था कि वो लाठी उसको सामर्थ्य देती थी, उसको आशीषित करती थी। चिन्ह चमत्कार करना है लाठी का सहारा लिया, समुद्र को डुबा करना है लाठी का सहारा लिया, मिस्र लोग इसराइल लोगों को पानी पिलाना है लाठी का सहारा लिया। वो परमेश्वर चिन्ह देने वाला परमेश्वर है, वो चिन्ह जब हमारे ऊपर वो देखता है, दासों के ऊपर देखता है, वो कार्य करने लगता है। हर इंसान को प्रभु ने चिन्ह दिया है, हमको चुना था, हमको चिन्ह दिया है, हमें आशीषित किया है, हमारे ऊपर सामर्थ्य उसका, उसकी आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर है। हमें पहचानना चाहिए कि हमारे चिन्ह क्या, हमारे साइन क्या है, हमें प्रभु ने चुना था, हमारे ऊपर कौन सा सीन साइन रखा है, उसको कौन सा चिन्ह रखा है जिस द्वारा हम काम कर सकते हैं। हम बहुत बार प्रभु के पास आते हैं, जैसे प्रभु हमको चुनता है, हम बोलते हैं प्रभु मरते दम तक मैं तेरी सेवकाई करूंगा। परमेश्वर बोलता है अगर तू मरते दम तक मेरी सेवकाई करेगा तो मैं तेरा इस्तेमाल करके लूंगा। थोड़े सालों में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ समस्या आती है, कुछ तकलीफ आती है और हम लोग विश्वास के अंदर नीचे गिर जाते हैं, प्रार्थना के अंदर नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम नीचे गिर जाते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारा काम, हमारा बाइबल पढ़ना, चर्च को जाना या बाकी चीजें हम ढीले हो जाते हैं उसके अंदर। प्रभु तो तूने कहा था वो तेरे लिए और मेरे लिए साइन था कि जब तक मैं संसार में मैं तेरी सेवा का आत्मा से सच्चाई से करूंगा। तू तो थोड़ी सी तकलीफ परेशान पर तू गिर गया, मूसा गिरा नहीं कभी, समुद्र आने के बाद भी वो डरा नहीं, इसराइल लोगों ने उसको बहुत सारी तकलीफ दी तब भी डरा नहीं। उस लाठी को लेकर वो चिन्ह और चमत्कार था कि वो लाठी परमेश्वर और मूसा के बीच में एक साइन थी, चिन्ह था मूसा के लिए आशीष का। पर बाइबल कहते हैं, हर एक दास के बारे में आपको बताता हूं, होशमुएल चौदह कलम 16वां अध्याय इसका 14 कलम। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। 18। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। वचन 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से
वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। आमेन। यहाँ पर शाऊल के हाथ के अंदर वीणा थी और वो वीणा के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक बाहर निकलता था, और वो अभिषेक जैसे ही बाहर आता था तो शाऊल के अंदर जो दुष्ट आत्मा होती थी वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। मेरे भाई ने दो दो तरह की दुष्ट आत्मा होती है, एक इस संसार में से एक दुष्ट आत्मा आती है, दूसरी दुष्ट आत्मा आती है वो परमेश्वर कभी कभी खुद भेजता है। इसके बारे में लिखा है काफी जगह पर। यहाँ पर जो शाऊल के ऊपर आत्मा जो आई थी वो परमेश्वर की ओर से आई थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसकी ओर से निकल गया और एक दुष्ट आत्मा आकर उसे तकलीफ देने लगी, और उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए शाऊल के पास बहुत सारे लोग थे, क्योंकि शाऊल के जो नगर में थे काफी मांत्रिक थे, भूत भगाने वाले थे और जादूगर थे, तंत्र मंत्र करने वाले थे, ये सब लोग थे, लेकिन उनके द्वारा वो आत्मा नहीं निकलती थी। उसे निकालने के लिए ऐसे कोई भी चाहिए था, पहली बात तो उसके पास परमेश्वर मांगता था, दूसरी बात उसके पास जो वीणा थी वो जो वीणा बजाएगा उसके द्वारा जो अभिषेक आएगा उसके ही द्वारा वो आत्मा निकलती थी, ऐसे इंसान चाहिए था। और वो था दाऊद, दाऊद राजा। जब जब दुष्ट आत्मा आती थी तो शाऊल के अंदर से वो आत्मा, जैसे दाऊद को समझ सके आत्मा आई तो अपने वीणा लेकर वो बजाता था, और जैसे सामर्थ्य आता था वीणा के अंदर से वो दाऊद के अंदर शाऊल के अंदर की जो आत्मा होती है वो निकल जाती थी। वो प्रार्थना नहीं करता था, वचन कोट नहीं करता था, उस आत्मा को ये नहीं बोलता है मैं अभिषेक खुदा का दास हूं मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है निकल, नहीं, क्योंकि उसको मालूम था जो अभिषेक मेरे को मेरा मेरा जो साइन है मेरे साथ प्रभु है, अगर प्रभु अगर मेरे अंदर से काम करना चाहिए तो जो साइन है उस विनय के बारे में जो विनय प्रभु ने मुझे दिए बजने के लिए कि उस सोने के द्वारा मैं परमेश्वर की स्तुति स्तवन उसकी आराधना उसके गुणगान गाता हूं, वो विनय मेरे लिए साइन है कि दाऊद विनय बजा रहा है तो प्रभु का आत्मा आता था। रमन आपको प्रभु ने कोई साइन दिया रहेगा, आपसे बात प्रभु ने की रहेगी, उसे अपने पास से कभी मत जाने दीजिए। आपके पास वो अगर साइन निकल गया, आपके पास के ऊपर का वो चिन्ह निकल गया, परमेश्वर की आत्मा निकल जाती है, प्रभु इससे मना नहीं करता है। फिर बहुत सारे लोग ठंडे क्यों होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनके अंदर से प्रभु की आत्मा निकल गई रहती है, क्योंकि जो साइन प्रभु ने उनको दिया रहता है उसे वो संभाल नहीं पाते, उसे संभाल के नहीं रखते। जैसा जैसे तुम देखते शमशोन ने उसका जो साइन था उसका बाल थे, जैसे वो बाल झटकता था तो प्रभु का आत्मा आता था, लेकिन जैसे उसे बाल काटे गए उसका आत्मा प्रभु का आत्मा निकल गया। बाइबल कहती है जब राहब के पास परमेश्वर के लोग गए उसने उसके ऊपर उसको अपने घर के अंदर छुपा दिया, और जब उसने उस लाल रस्सी के द्वारा दोरी के द्वारा उसे नीचे छोड़ दिया तो जागते वक्त वो जो गुप्त हेर थे उन्होंने बात की कि ये जो जिससे हम नीचे आए वो इस रस्सी को इसी खिड़की में रख दे, ये तेरे बीच में और हमारे लिए एक साइन होगा, जब फिर हम कब आएंगे तो इस रस्सी को देखकर ही तेरे परिवार को और तुझे हम बचाएंगे। ये परमेश्वर के द्वारा उस राहब के लिए चिन्ह था, ऐसा लिखा है ये यशो की किताब दूसरी अध्याय में। पूरा पूरा यरूशलेम खत्म हो गया लेकिन राहब का घर बचा गया है, क्यों? कि वो साइन था उसके घर के ऊपर परमेश्वर का, उस साइन को उसने कभी निकाला नहीं। दाऊद के अंदर विनय थी वो साइन था परमेश्वर का अभिषेक का, शमशोन के ऊपर साइन था उसके बाल का, जब तक तो उसके ऊपर बाल थे वो बहुत बड़ा बड़ा काम उसने किया, जिस दिन उसके बाल काटे गए उसका सामर्थ्य उसका आत्मा निकल गया। परमेश्वर हमको जो अभिषेक देता है वो देने से पहले एक साइन होता है हमारे ऊपर, और वो साइन को पहले देखता है तो पवित्र आत्मा आती है, तब सामर्थ्य हमारे ऊपर आती है। अगर हम उस साइन को संभालते नहीं है उसे 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 हम उसे ठीक तरह से हमारे ऊपर उसे जतन नहीं करते वो निकल जाता है, प्रभु निकल जाता है।
संजय को जानता है, लेकिन संजय के ऊपर जो 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 साइन रखा है उसके द्वारा ही संजय को आशीष करता है। हम सब के ऊपर एक प्रभु ने एक साइन दिया है, एक चिन्ह दिया है, उसे संभालना जरूरी है, उसे जतन करना जरूरी है। जिस दिन हम उसे हमारे अंदर से निकाल देंगे, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर नहीं आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर नहीं आएगा, हमारे कलीसिया के ऊपर खुदा का सामर्थ्य नहीं आएगा, हमारे सेवक के अंदर प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ नहीं रहेगा, प्रभु की आशीष हमारे साथ नहीं बनी रहेगी, हमारे घर के अंदर प्रभु का आशीष नहीं बनी रहेगी। हम बोलते मेरा, हम बहुत बार बोलते हैं ये मेरा घर प्रभु का घर है, ये मेरा घर प्राप्त का घर है, ये मेरा घर परमेश्वर का घर है, और ऐसा बोलने के बाद हम कुछ सालों तक ये बात मेंटेन करते हैं। उसके बाद में हमारे घर में कुछ भी नहीं होता है, ना प्रार्थना होती है, ना खुदा के दास आते हैं, ना खुदा के लोग आते हैं, कोई उपवास प्रार्थना नहीं, कोई ही प्रार्थना नहीं। हम कहते हैं कि मेरा घर प्रभु का घर है, और प्रभु का घर के अंदर प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, स्तवन नहीं, कुछ भी नहीं, वो साइन ही नहीं घर में प्रभु आने के लिए, वो परमेश्वर घर रहता ही नहीं, वो तो शैतान का घर बन गया, और शैतान के घर में प्रभु का आत्मा नहीं आता है। हम बोलते ना मेरा घर तो प्रभु का घर था, मेरा घर प्रभु का है। प्रभु घर के अंदर क्या होता है आपको पता है? प्रभु घर के अंदर कोई भी दुनिया की बातें नहीं होती है। चार लोगों को बिठा लिया, चार लोग अंदर आ गए और उनके साथ गलत बातचीत चल रही है, वो प्रभु घर के अंदर नहीं होता है। आपके घर के अंदर से ऐसी म्यूजिक आ रही है कि चार लोग सुन रहे, वो प्रभु घर के लोगों के अंदर नहीं होता है, कि वो प्रभु का घर है, वो शैतान का घर नहीं है। हमारे घर के अंदर से गंदी बातें, गंदी गाल गाल गाली गलोच चार लोग सुन रहे, वो नहीं होती, कि वो प्रभु का घर है। हमारे घर के और कोई भी देखे तो ये कहेगा कि ये बंदे का घर तो खुदा का घर है। कभी भी जाओ, कभी भी आओ, परमेश्वर की ध्वनि ही उधर सुनने आती है। वह घर में जाओ, वो बहन, वो भाई, वो लोग, वो कलीसिया का पासवान प्रार्थना ही करता है। वो साइन है हमारे लिए, हमारे परिवार के अंदर, परिवार के लिए आशीष का, प्रभु का साइन है वो। आपने खुद कहा है मेरा घर प्रभु का घर है। आज बहुत सारे लोग बोलते प्रभु घर है, लेकिन प्रभु का घर सही में आपका प्रभु घर है क्या? आप सोचिए आपके घर में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये मेरा जीवन, मेरा मेरे खुद का जीवन है, और इस दिल को हम गंदगी से भरे हुए, किसके किसके जीवन बना दिया हमने? अब्राहम पीछे नहीं हटा, अब्राहम आगे ही चला गया। मूसा ने काठी को कभी नहीं छोड़ा, रब ने वो रस्सी को निकाला नहीं। दाविद ने वीणा को एंड तक नहीं छोड़ा, इसलिए उसने भजन संहिता लिखा, गीत लिखे, गाने लिखे, क्योंकि उसने वीणा को नहीं छोड़ा, अंत तक नहीं छोड़ा। जब जब वो स्तवन करता था, वो वीणा लेकर ही उसकी स्तवन स्तुति होती थी, और प्रभु का सामर्थ्य आता था। शमशोन ने बाल को रखना था, लेकिन नहीं रखा, बाल को काट दिया, पर उसका सामर्थ्य निकल गया, उसकी आंखें फोड़ी गई, उसे मारा दिया गया। मेरे पास इतना वक्त है, मैं नए नियम में भी आपको बताऊंगा प्रभु ने किन किन के ऊपर सामर्थ्य चिन्ह दिया था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं, और कोई भी आपका साइन आपके ऊपर है, आपके घर के ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, आपके कलीसिया के ऊपर है, उसे मेंटेन कीजिए। वही साइन, वही चिन्ह प्रभु का आने का आशीष का कारण है आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर। नहीं तो आप सोचिए, आप बोले प्रभु घर है तो प्रभु का घर ही बना के रखिए। आप बोले मेरे बच्चे प्रभु के बच्चे, उन्हें प्रभु के बच्चे ही बनने की कोशिश कीजिए। मैं मरते दम तक प्रभु की सेवा क्या करूंगा, कितनी मुसीबत आए, तकलीफ आए, परेशान आई है, अब प्रभु के भवन के अंदर जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, लोगों को सुसमाचार बताना बंद मत कीजिए। वो आपके लिए साइन कि आपने जो कहा है प्रभु ने मान लिया, और वो आपके लिए साइन बना दिया, उसके द्वारा ही आपके ऊपर आशीष आएगी, और आप आशीष होकर प्रभु का राज बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको सबको इंकरेज कर रहा हूं, साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण साइन जीवन के अंदर होना, प्रभु का साइन होना, परमेश्वर का साइन होना। अगर आपके पास साइन नहीं है तो प्रभु से कहिए, मेरे लिए कौन सा साइन तू दिया मुझे बता, मुझे उसे मेंटेन करना है, मुझे संभालना है उसे, मेरे कलिस के ऊपर कौन सा साइन है मुझे बता, मुझे उसे संभालना है, क्योंकि मुझे तेरा काम करना है। मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको इंकरेज कर रहा हूं, अगर आपके ऊपर कोई साइन प्रभु ने दिया है, आपसे बात की है, या आपने प्रभु से कोई वादा किया है, तो उसे मेंटेन कीजिए, वही आपके लिए साइन होगा। और आप सबसे बड़ा साइन तुम्हारे लिए और मेरे लिए यीशु मसीह का लहू है,
क्योंकि उस लहू के द्वारा उसने हमें खरीद किया है। आमेन। इब्रियों 13 में लिखा है उसके लहू के द्वारा हम उसके पास आ गए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:18-19 में लिखा है उसने हमारे लिए उसका लहू दे दिया और उस लहू के द्वारा हमें खरीद किया है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर प्रभु का लहू आप कहीं पर भी जाइए वो आपके लिए साइन है कि आप प्रभु के बेटे, आप प्रभु की बेटी है। और वो साइन शैतान की हर ताकतों से, बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से हमें बचाएगी, क्योंकि वो साइन है मेरे लिए कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। इसलिए उसे मत बुझाइए। बाहर निकलने से पहले खुद को इसी के लोके ने ढक लीजिए। बच्चों को बाहर निकलने से पहले यीशु के लोगों ने रख दीजिए। अब के आदमी को जब वो काम पे जा रहे, जॉब के जा रहे या बाहर जा रहे, लोगों ने रख दीजिए। आप जब बाहर जा रहे हो खुद को लोग के अंदर ढक लीजिए। आप कलीसिया जा रहे हो आप लोग के अंदर ढक दीजिए। वो साइन है आपके लिए, प्रभु बोलेगा नहीं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, क्योंकि उसके ऊपर मेरे लोग का साइन है। प्रभु यीशु मसीह का नाम मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं, उस साइन को मिटाए मत दीजिए। कितनी मुसीबत तकलीफ आए प्रभु के साथ चली रही है, बने रही है, खूब आपको आशीष करेगा। धन्यवाद। प्रभु इस कलाम के द्वारा आप सबको आशीष करेगा।